हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंडियन 2 जैसी मास्टरपीस देने के बाद डायरेक्टर शंकर की नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है गेम चेंजर। उसका आज टीजर रिलीज करा गया है, तो टीजर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, टीजर 1.5 मिनट का है और पूरे के पूरे टीजर में काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा लिया गया है, रोहित शेट्टी की मूवीज की तरह लगता है, क्योंकि काफी ब्राइट कलर दिखते हैं। और पूरे 1.5 मिनट के ट्रेलर में 2-3 ही डायलॉग हैं, लेकिन काफी सारे एक्शन सीन्स हैं और काफी पॉलिटिकल ड्रामा होने वाली है। इसमें रामचरण को एक IAS ऑफिसर बनाया गया है, जो कि ऑब्वियसली करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि शंकर की मूवीज में यही सब होता है। हमने शिवाजी में भी देखा था, इंडियन में भी देखा था, इंडियन 2 में भी देखा था। तो मूवी में रामचरण क्या करने वाले हैं करप्शन के खिलाफ, वही सारी चीजें हमने सीन वाइज टीजर में देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से रामचरण को दिखाया गया है, प्रेजेंट करा गया है, वो बहुत बढ़िया है। काफी सारे एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, काफी डांस वांस के सीन दिखाए गए हैं, अलग अलग उनके लुक दिखाए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। तो मूवी में कियारा आडवाणी भी है और टीजर में उनका एक डायलॉग है, और पूरे टीजर के हिसाब से एक डायलॉग है, तो मूवी में भी उनको इतना ही रोल दिया गया होगा। क्योंकि साउथ की मूवीज में हीरोइन का एक ग्लैमर का रोल होता है, उनको लव इंटरेस्ट बनाया जाता है हीरो के साथ, और कुछ गाने अच्छे फिल्माए जाते हैं उनपे। एक डायलॉग के अलावा कियारा आडवाणी के सारे जो सीन्स है, वो गानों के सीन्स टीजर में देखने को मिलते हैं। हालांकि मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि उनको कितना रोल दिया गया है। और पूरे टीजर में एक और चीज नोटिस होती है, जो है मूवी का म्यूजिक। म्यूजिक बहुत बढ़िया लगता है, और इनके म्यूजिक डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने सिंघम अगेन में भी अभी म्यूजिक दिया था, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और साथ ही वो बेबी जॉन में भी अपना म्यूजिक देने जा रहे हैं, और काफी जबरदस्त म्यूजिक है। और गेम चेंजर का भी मेरे को टीजर वाला म्यूजिक जो है वो अच्छा लगा, और गाने भी मैंने सुने हैं काफी बढ़िया थे। साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, वो साउथ की मूवीज में काफी बढ़िया म्यूजिक देते हैं, लेकिन जो सिंघम अगेन में थमन ने म्यूजिक दिया है, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ओरिजिनल ट्रैक उन्होंने यूज नहीं करे। और अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं, तो सभी के सभी एक्टर जबरदस्त लिए गए हैं, काफी बढ़िया कास्टिंग है। और शंकर की इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी लास्ट मूवी इंडियन 2 काफी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, और रामचरण की जो लास्ट मूवी थी आचार्य, जो कि RRR के बाद रिलीज हुई थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। तो दोनों के लिए बहुत बड़ी मूवी है और काफी अच्छी हाइप है, और टीजर आने के बाद तो और ज्यादा हाइप बढ़ गई है। मूवी रिलीज होने वाली है जनवरी में, और अभी ट्रेलर भी आना बाकी है। उसकी डिटेल में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल में विजिट करिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइस।